नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से नान खटाई बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नान खटाई बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए, बेसन, सूजी, घी, मैदा, काजू, बेकिंग पाउडर और पिसी हुई चीनी। नान खटाई बनाने के लिए चलिए सबसे पहले हम बाउल में मैदा डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप मैदा ले रही हूँ। 1 कप मैदा में 2 छोटे चम्मच बेसन, 2 छोटे चम्मच सूजी और 1 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अब हमारा सभी मिक्सर है अच्छे से मिल चुका है। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम यहाँ पे पिघला हुआ 1 कटोरी घी लेंगे। अब हम इस घी में पिसी हुई चीनी डालेंगे। मैं यहाँ पे नॉर्मल घर में चीनी रहते हैं उसको ग्राइंडर में डाल के पीस ली हूँ। अब इसे हम लफी होने तक इसे अच्छे तरीके से फेंटेंगे। इसी तरीके से अच्छे फेंटना है जब तक हमारा घी और चीनी है वो लफी ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं हमारा घी का बैटर है पूरा फ्लफी फ्लफी और फूला फूला दिख रहा है। इस तरह फेंटते वक्त अगर आपका बैटर घी ज़्यादा गीला है तो आप इसे 3 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए, उसके बाद फेंटिए। आपका बैटर है वह बिल्कुल फ्लफी फ्लफी ही बनेगा। हमें इसे फेंटते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है और हमारा बैटर है अच्छे तरीके से फ्लफी हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के मिक्सचर को मिला लेंगे। चलिए अब हम इस मिक्सचर को मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिला लेंगे और इस तरीके से हल्का हल्का करके मिला लेंगे हम। अब बाकी के मिक्सर को भी हम मिला लेंगे और एक बार फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए अब हम इसे हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हाथ की सहायता से मिक्स करेंगे। अगर आपका बैटर अगर ज़्यादा सूखा लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच दूध ऐड कर लीजिए और उसके बाद मिक्स कर लीजिए। हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, हम इसमें दूध नहीं मिक्स कर रहे हैं। इस तरीके से एक डो की तरह तैयार कर लेना है। अब हमारा डो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इस तरीके के बर्तन में घी लगा लेंगे। आप चाहे तो स्टील का बर्तन या कोई भी एलुमिनियम का बर्तन यूज कर सकते हैं। अब इसमें घी डालेंगे। अब हम इस घी को चारों तरफ ब्रश की सहायता से फैला लेंगे। अब हम इस बैटर से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेंगे इस तरीके से, इसके इस तरीके से गोल करके बॉल्स तैयार करेंगे। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा इस तरीके का चपटा कर लेना है। इसी तरीके से सारे नान खटाई हमें तैयार करना है और इसे हम थोड़ी थोड़ी गैप में रखते जाएंगे ताकि यह पकाने के वक्त और भी फैलेगा। अब हमने सारे नान खटाई बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर काजू डालेंगे। आप चाहें तो काजू, बादाम, पिस्ता, जो आपका मन हो वो डाल सकते हैं। इस तरीके से काजू को डाल लेंगे और अब हम इसे बेक कर लेंगे। चलिए अब हम नान खटाई को बेक करने के लिए गैस ऑफ कर लेते हैं। मैं इस तरीके का कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें 1/2 किलो के लगभग नमक डाल ली हूँ। अब हम इसे गर्म होने के लिए 5 मिनट के लिए हाई टेम्परेचर में गर्म कर लेंगे नमक को। अब हमारे नमक को 5 मिनट हो चुका है हाई फ्लेम में गर्म करते हुए। अब हम ढक्कन खोल लेते हैं और इस तरीके का बर्तन ले लेंगे और इसे बीच में इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद हम इस नान खटाई को इस तरीके से रख देंगे और इसे ढक के हम मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं नान खटाई को पकते हुए 10 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं नान खटाई को बनाते वक्त तो बहुत छोटा छोटा साइज का था, अब फूल के बहुत बड़ा साइज हो चुका है और अच्छे तरीके से फूल चुका है। अभी हमारा नान खटाई पूरी तरह से पका नहीं है, हम इसे ढक के थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। तो चलिए ढक के पका लेते हैं। अब हमने चेक करने के बाद नान खटाई को 10 मिनट और ढक के पका लिया है। चलिए अब हम देख लेते हैं। अब हमने नान खटाई को चेक करने के बाद 10 मिनट और
बेक किया है और हमारा नान खटाई है और अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। अब हम इसे गैस बंद कर लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम नान खटाई को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और बाकी के नान खटाई तैयार कर लेंगे। अब हमारा नान खटाई बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा नान खटाई आगे से भी कितने अच्छे तरीके से बेक हुआ और पीछे से भी अच्छे से बेक हो चुका है। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ हमारा नान खटाई कितना क्रिस्पी बना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए।